दोस्तों आजकल मोबाइल्स में हर रोज कोई ना कोई नया फीचर आ रहा है। मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हर रोज कोई ना कोई डिफरेंट सा फीचर देख के कस्टमर्स को आकर्षित करने और ज्यादा से ज्यादा मोबाइल बेचने की होड़ में लगे हैं। चाहे वो बेजललेस डिस्प्ले हो, इन्फिनिटी डिस्प्ले हो, फुल विजन डिस्प्ले हो या फिर एस्पेक्ट रेशो 18:9 डिस्प्ले हो, और हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि भैया कौन सा फोन खरीदना है और कौन सा फोन नहीं खरीदना है, कौन सा फीचर हमारे लिए फायदेमंद है और कौन सा फीचर हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। क्योंकि कई बार तो हमें ये भी मालूम नहीं होता कि फलाना फीचर को इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो दोस्तों आइए जानने की कोशिश करते हैं कि बेजललेस डिस्प्ले क्या होता है, फुल विजन डिस्प्ले क्या है, इन्फिनिटी डिस्प्ले क्या है या फिर एस्पेक्ट रेशो 18:9 क्या है। हम लोग इसलिए इतनी सारी चीज़ों को एक साथ में डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये सारी सिमिलर सी टर्म्स हैं और मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने मोबाइल टेक्नोलॉजीज में बिना कोई मेजर चेंजेस किए और मोबाइल डिस्प्लेज में थोड़ा बहुत हेरफेर करके बहुत सारी चीज़ों को हमारे समझने के लिए कॉम्प्लेक्स बना दिया है। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं हिल ग्रोवर्स टेक्नोमैन, मैं जगदीश ठाकुर एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक और जानकारी के साथ में। दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि आज का यह वीडियो और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न या कोई भी सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। मैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगा या फिर उस पर कोई वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। सब्सक्राइब हिल ग्रोवर्स टेक्नोमैन एंड प्रेस बेल बटन फॉर मोर वीडियोस। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बेजल की। मोबाइल के फ्रंट साइड में स्क्रीन के चारों तरफ प्लास्टिक या फिर मेटल की फ्रेमिंग होती है जिसे कि बेजल कहा जाता है। मोबाइल स्क्रीन के ऊपर वाला भाग जिसमें कि कैमरा या फिर स्पीकर लगा होता है उसे टॉप बेजल या फिर नॉच कहा जाता है। मोबाइल स्क्रीन के नीचे वाला भाग जिसमें कि होम की, बैक बटन या फिर मिनिमाइज बटन लगा होता है उसे चिन या फिर बॉटम बेजल कहा जाता है। तो इस बेजल को हटाना मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का एक मोटिव बन गया है, यानी कि टॉप बेजल या फिर नॉच और बॉटम बेजल या फिर चिन और उसके अलावा साइड्स के बेजल्स को हटाने के बाद जो भी डिस्प्ले अचीव होता है उसे हम बेजललेस डिस्प्ले कहते हैं। तो मोबाइल के बेजललेस होने से आपके मोबाइल की स्क्रीन का साइज़ बड़ा हो जाता है बिना मोबाइल के साइज़ को बड़ा किए 18:9 रेशो मेंटेन हो जाता है। दोस्तों अब तक कोई भी मोबाइल 100% बेजललेस नहीं है। अब तक इंडिया में जितने भी मोबाइल्स अवेलेबल हैं मैक्सिमम 84% के अराउंड ही बेजललेस हैं या फिर 84% के अराउंड ही स्क्रीन टू बॉडी रेशो में अवेलेबल हैं नॉच के साथ में। शायद फ्यूचर में वीवो, ओप्पो, सैमसंग, एप्पल या फिर शामी जैसी नामी कंपनीज 100% या फिर इसके बहुत ही करीब बेजललेस फोन्स बना के इंडियन मार्केट्स में उतार सकती हैं क्योंकि अभी ये बेजललेस की शुरुआत मात्र है। बात करते हैं इन्फिनिटी डिस्प्ले की। मोबाइल का यूजुअल एस्पेक्ट रेशो होता है 16:9। अगर आपके फ़ोन के डिस्प्ले की विड्थ 9 सेंटीमीटर है तो उसकी हाइट होनी चाहिए 16 सेंटीमीटर, लेकिन सैमसंग ने सैमसंग गैलेक्सी S8 और S8 प्लस में एस्पेक्ट रेशो रखी 18:5:9। डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी में तो कोई भी चेंज नहीं हुआ, केवल पिक्सल बढ़ा दिए गए और साइड बेजल्स को हटा करके एज टू एज कर्व्ड डिस्प्ले बना दिया गया जिसे कि इन्फिनिटी डिस्प्ले का नाम दिया गया। इसी तरह से फुल विजन डिस्प्ले में 16:9 एस्पेक्ट रेशो को 18:9 बना दिया गया था जबकि डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी में कोई भी मेजर चेंजेस नहीं किए गए थे। तो दोस्तों आइए बात करते हैं कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की। इन फीचर्स की वजह से मोबाइल का स्क्रीन बड़ा लगता है जबकि मोबाइल का साइज बड़ा नहीं होता। इन फीचर्स की वजह से मोबाइल देखने में अच्छा लगता है, वेब ब्राउजिंग या फिर मल्टीमीडिया का आपको अलग ही एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। बात करते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की। तो इससे मोबाइल स्क्रीन की सुरक्षा कम हो जाती है, आप मोबाइल में कवर नहीं लगा सकते, इससे मोबाइल स्क्रीन ज़्यादा टची हो जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस तरह के मोबाइल्स मार्केट में ज़्यादा महंगे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में जानकारी मिल सके, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूँ। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। जय हिंद, जय भारत।